पार्किंसन्स लॉ, पार्किंसन का सिद्धांत, उसके बारे में मैं आज आपसे बातचीत करने वाला हूं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळेकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग संबोधन तथा व्यसन मुक्तिज्ञ हूं। महाराष्ट्र मुंबई पुणे अकोला यहां प्रैक्टिस करता हूं। सन्मित्र अर्बन बैंक का मैं अध्यक्ष हूं। यहां हम लोगों को बिजनेस के बारे में ट्रेनिंग, वर्कशॉप्स, कोचिंग्स देते हैं। उसमें हम लोगों को टाइम मैनेजमेंट के विषय में पार्किंसन का लॉ सिखाते हैं। तो ये पार्किंसन लॉ क्या है? पार्किंसन लॉ ये बोलता है कि वर्क एक्सपांड्स टू फिल द टाइम विच इज अवेलेबल। फिर से बोलता हूं, वर्क एक्सपांड्स टू फिल द टाइम विच इज अवेलेबल, मतलब जितना समय आपके पास में उपलब्ध है वो पूरा भरने के लिए आपका काम बड़ा बड़ा होते जाता है। इसका मतलब यह है कि आपके पास में एक काम करने के लिए 2 घंटे है, तो वो काम आप 2 घंटे में बराबर आराम आराम से करेंगे और 2 घंटे के आखिरी में वो काम पूरा हो जाएगा। और वही काम करने के लिए आपके पास में 1 घंटा है, तो वो काम आप 1 घंटे में करेंगे, आप जल्दी जल्दी कर लेंगे। तो फिर आपको टाइम अलॉट करने के लिए आपने देखना चाहिए कि ये काम एक्चुअली कितने समय में हो सकता है, उतना टाइम उसको अलॉट करो। ज़्यादा टाइम क्यों अलॉट करते? अभी मैं पेशेंट देखता हूँ मानसिक बीमारियों के, तो मैं समझो क्लिनिक में बैठा हूँ, मुझे मालूम है कि मुझे अभी सुबह 10 से शाम को 6 बजे तक क्लिनिक में बैठने का है, 8 घंटे में बैठ रहा हूँ, और एक 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 धीरे 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 पेशेंट आ रहा है, भीड़ नहीं है, तो मैं आराम आराम से पेशेंट देखते रहता हूँ। बहुत ज़्यादा एकदम पेशेंट आ गए तो थोड़ा जल्दी जल्दी मैं पेशेंट देखता हूँ, और जो मेरा टाइम फालतू का वेस्ट होते रहता है वो मैं कट करता हूँ। तो इसमें क्या होता है कि जब कम समय रहता है तो हम जो फालतू का टाइम वेस्टर्स हमारे जो है टाइम वेस्टर्स वो हम कट कर डालते हैं, जिसमें टाइम वेस्ट हो जाता है। फिर पेशेंट के लिए मैं क्या करता हूँ, गोली समझाना है पेशेंट को, मैं बोलता हूँ कि हमारे असिस्टेंट डॉक्टर समझा के देंगे। गोली लिखने का काम करना है, मैं असिस्टेंट को बोलता हूँ कि इनको गोली लिख दो। मतलब जो भी काम और मैं किसी को सौंप सकता हूँ वो करके मैं मेरा टाइम बराबर एडजस्ट कर लेता हूँ। आप देखो ना कि सवेरे आपको समझो 8 बजे कहीं जाने का है, कोई प्रोग्राम में या फंक्शन में, और आपको 8 बजे जाने का है और आप 7 बजे उठ गए, तो आप धीरे धीरे तैयार होकर बराबर 8 बजे वहाँ पहुँच जाएंगे। आप 6:30 बजे उठ गए 8 बजे जाना है करके, तभी भी आप धीरे धीरे तैयार होकर 8 बजे वहाँ पहुँच जाएंगे। मतलब यदि अपने पास में ज़्यादा समय होगा तो हम क्या करते हैं, आराम आराम से काम करते। इसलिए टाइम मैनेजमेंट जिसको करने का है उन्होंने ये देखना चाहिए कि मैं वो पर्टिकुलर काम करने के लिए कितना कम समय अलॉट करूँ और कितना फास्ट फटाफट कर सकता हूँ। वो यदि प्लानिंग किया तो कम समय में ज़्यादा काम आपके हो जाएंगे, आपका स्पीड बढ़ जाएगा। आप देखो ना, एग्जाम है समझो, एग्जाम के समय बच्चों की पढ़ाई फटाफट हो जाती है, और एग्जाम नहीं है आराम आराम से पढ़ते रहते, फिर टाइम पास करेंगे पढ़ेंगे। जब एग्जाम सामने किया 8 दिन बाद में एग्जाम है, घंटे ज़्यादा घंटे पढ़ाई करेंगे, ख्याल भी ज़्यादा रहेगा, सब उससे में अच्छा हो जाएगा। तो वर्क एक्सपांड्स टू फिल द टाइम विच इज अवेलेबल, ये टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा प्रिंसिपल है, ये आप अपनाओ और इसमें टाइम मैनेज करो। आपको ये देखना है कि मैं 2 घंटे का काम 1 घंटे में कैसा कर सकता हूँ, क्योंकि वो काम 2 घंटे का डेफिनेटली 1 घंटे में हो सकता है, 1.5 घंटा में हो जाएंगे, डेफिनेटली आपका 1/2 घंटा वहाँ कट हो सकता है। थैंक यू वेरी मच। गूगल स्टोर से आप डॉक्टर केळेकर ये नाम का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और ये ऐप में आप फ्री चैटिंग कर सकते हैं, अलग अलग ऑनलाइन कोर्सेस है वो डाउनलोड कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा अपने खुद के लिए फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू।